आपके ओवरी कहाँ थे, सेकंड सेगमेंट से लेके आपके सिक्स सेगमेंट तक, उस ओवरी के अंदर आपके छोटी छोटी ट्यूब्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवेरियोल्स। ये टोटल आठ होती है नंबर में। फिर ये ओवेरियंस ट्यूब जो होती है, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स जो होती थी, ये आपस में मिलकर क्या बनाती है, आपका ओविडक्ट बना देती थी, दैट फॉर्म ओविडक्ट। तो आपको दो ओविडक्ट देखने को मिलते हैं, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है, दैट इज द ओविडक्ट। अब ये ओविडक्ट जो होते थे बेटो, ये ओविडक्ट आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, दैट विल फॉर्म कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना, इसकी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो पार्ट देख रहे हो नीचे वाला, दिस इज, जिसको मैं पिंक से मार्क कर रहा हूं, ये पार्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी कॉमन ओविडक्ट या यू कैन से दैट विल बी वेजाइना। समझ में आ रही है डायग्राम में बच्चों ये वाली बात, दिस इज योर, किसने बनाई, ओविडक्ट्स ने आपस में मिलके, पेयर में थी ओविडक्ट, तो आपकी दीज आर पेयर, ठीक है, दो हैं, दोनों आपस में मिलके क्या बना रही है, कॉमन ओविडक्ट या इसको आप वेजाइना कह रहे हो। इस वेजाइना के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, स्पर्मेटिका प्रेजेंट होता है जो स्पर्म्स को स्टोर कर रहा है। तो ये जो पार्ट दिखा रहा हूं दिस इज ब्लू कलर से, ठीक है, ये जो ब्लू कलर से पार्ट दिखाया है ये क्या बन गया, दैट इज स्पर्मेटिका, और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, दैट इज कॉमन ओविडक्ट। इज इट क्लियर आराधना, अविनाश, शिल्प, समीक्षा एंड रितिका, आशीष, प्रभजोत, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है समीक्षा। तो ये हो गया आपका दैट इज स्पर्मेटिका एंड इसके चारों तरफ आपका कॉमन ओविडक्ट, दैट इज वेजाइना। अब इसके नीचे ये जो पार्ट आता है दैट इज आपको देखने को मिलती है कोलेट्रल ग्लैंड्स, और कोलेट्रल ग्लैंड्स का काम मैंने आपको पहले भी समझाया था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेट्रल ग्लैंड्स बेटा, कौन बताएगा मुझे? ये मैंने बताया था ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। मेल के अंदर तो आपने देखा दैट इज फैलिक ग्लैंड्स थी, मशरूम ग्लैंड्स, और फीमेल के अंदर यहाँ पे कोलेट्रल ग्लैंड्स होती है। इसका काम क्या था बच्चों? ये एग के इसकी फॉर्मेशन कर रही थी, एग के चारों तरफ, याद आया, दैट विल फॉर्म एग केस अराउंड एग, और इस एग केस को आप क्या बोलते थे, दैट इज कॉल्ड ऊतिका, याद आई बात, दैट इज कॉल्ड ऊतिका, राइट आ रहा था, है ना? तो ये कोलेट्रल ग्लैंड्स क्या कर रही है, ऊतिका बना रही है एग के चारों तरफ। आपका एक बड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर होगा ऊतिका, उसके अंदर आपको ऐसे छोटे 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 एग्स देखने को मिलते थे, दैट इज, तो ये आपके कोलेट्रल ग्लैंड्स करती थी। ओके, तो ये कोलेट्रल ग्लैंड्स कहाँ गई, कोलेट्रल ग्लैंड्स आपकी ये, दैट इज द कोलेट्रल ग्लैंड्स, ये जो आपको वेब जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, जाले जैसी, दैट इज कोलेट्रल ग्लैंड्स, ये है कोलेट्रल ग्लैंड्स, ठीक है बेटा, ये हो गई कोलेट्रल ग्लैंड्स सारी। एंड देन इसके बाद आपका आ जाता था नीचे ये वाला, दैट इज जेनिटल चैम्बर, दिस वन इज जेनिटल चैम्बर, ये हो गया बेटो जेनिटल चैम्बर, एक सेकंड डार्क वाला यूज करें, दिस इज जेनिटल चैम्बर, ये हो गया जेनिटल चैम्बर, डन, ओके, दिस इज, एंड देन इसके जस्ट आफ्टर नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज आपका वेस्टिबुलम, दिस इज वेस्टिबुलम, ये वेस्टिबुलम है, दोनों जेनिटल चैम्बर और वेस्टिबुलम, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, जेनिटल पाउच, जेनिटल पाउच बोले तो दैट इज ब्रूड पाउच, नहीं नहीं दैट इज नॉट ब्रूड पाउच, ये अलग है, ब्रूड पाउच अलग है, जेनिटल पाउच अलग है, दैट इज अलग, ठीक है, इन्होंने आपस में मिलके क्या बना दिया आपका, दैट इज दैट विल फॉर्म जेनिटल पाउच। तो जेनिटल पाउच किससे मिलकर बन रहा है आपका, दैट इज जेनिटल चैम्बर और वेस्टिबुलम से, इसको मार्क कर लो, ये नीट में सीधा सीधा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, दैट इज आपका जेनिटल पाउच किसका बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ जेनिटल चैम्बर एंड वेस्टिबुलम, ठीक है, दैट इज वेस्टिबुलम जो होता था ये आपका गैनेफोफाइसिस का एक पार्ट होता है, ठीक है, दैट इज गैनेफोफाइसिस, दैट इज आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इज इट क्लियर? अब मैं इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, यहां तक समझ में आई आराधना, सभी बच्चों को यहां तक बात समझ में आई? यस सर, अविनाश, समीक्षा, वर्षा, आशीष, प्रभजोत, ठीक है, चलो अब जितने भी पॉइंट्स हमने देखे उन्हीं को मैं वन बाय वन थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका सबसे पहले ओवरीज, भाई आपकी ओवरीज कहाँ प्रेजेंट थी, दैट इज लाई एट टू
सेकेंड टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट, एब्डोमिनल सेगमेंट पे आपने देखी, दैट इज प्रेजेंट. देन इसके बाद आपका नेक्स्ट अगला पार्ट, एक मिनट बेटो, इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट, ये जो ओवरी होती थी इसके अंदर इसमें क्या प्रेजेंट होते थे, दैट इज फॉर्मड ऑफ, इसमें क्या प्रेजेंट थे, दैट इज फॉर्मड ऑफ ओवेरियन ट्यूब्यूल्स. ठीक है, यहां पे आपने ओवेरियन ट्यूब्यूल्स देखी. ठीक है, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स दैट इज कॉल्ड आपका ओवेरियोल्स, ओवेरियोल्स इसे आपने कहा, दैट इज. ठीक है, कितने थे आपके, एट थे टोटल, एट इन नंबर्स थे. ये क्या करते थे, दैट विल कंटेन, दैट विल कंटेन, कंटेन अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा. इसके अंदर आपके जो अभी अनफर्टिलाइज्ड एग है वो प्रेजेंट होंगे. ठीक है, चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, ओवा का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका अभी अनफर्टिलाइज्ड है, दैट इज अनफर्टिलाइज्ड, इसमें प्रेजेंट होगा. ठीक है, अब यही आपके आगे चल के इसमें क्या क्या बनाते थे, दैट विल फॉर्म, दैट विल फॉर्म ओविडक्ट्स, ये आपके ओविडक्ट बनाते थे जो आपके पेयर में होते थे, दो प्रेजेंट. ठीक है, अब ये जो ओविडक्ट्स हैं ये क्या बनाएंगे, दैट विल फॉर्म, कॉमन ओविडक्ट, दैट विल फॉर्म कॉमन ओविडक्ट या आपका वेजाइना जिसे हमने कहा. ठीक है, कॉमन ओविडक्ट इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड मीडियन ओविडक्ट, this is also called median oviduct, ये आपका median oviduct की formation कर रहे हैं. Is it clear? अविनाश, आराधना, समीक्षा, वर्षा, आराधना, आशीष, प्रभ्योत, सभी को ये वाली बात क्लियर? Yes sir. ठीक है, and now ये जो आपके common oviduct थे ये कहाँ open होंगे? That will be open into the genital chamber. That will open into जेनाइटल चैम्बर. आपने डायग्राम में देखा था आपका जेनाइटल चैम्बर में ओपन हो रहे थे. जेनाइटल चैम्बर वेस्टिबुलर के साथ मिलकर आपका क्या बना रहा था, जेनाइटल पाउच बना था. तो ये तो जेनाइटल चैम्बर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ओपन क्या हुआ, किसमें हुआ आपका, दैट इज अब ये आपका जेनाइटल चैम्बर में ओपन हो गया. जेनाइटल चैम्बर आपका वेस्टिबुलम के साथ मिलकर टुगेदर, दोनों ही साथ में मिले, साथ में मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, दैट फॉर्म जेनाइटल पाउच. इन्होंने ये जेनाइटल पाउच बना दिया, दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलो अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट. अब क्या हो, आपका स्पर्मथीका कहाँ प्रेजेंट था, सिक्स्थ सेगमेंट पे प्रेजेंट था. ठीक है, Now, आपका यहां पे आ गया स्पर्मथीका. ठीक है, कहां प्रेजेंट था, सिक्स सेगमेंट पे था, दैट इज प्रेजेंट है सिक्स चैम्बर. ठीक है, ये भी कहां ओपन होता है, ये भी जेनिटल चैम्बर में ओपन होता है, दैट इज आल्सो ओपन इनटू जेनिटल चैम्बर, ये भी यहीं पे ओपन हो रहा था. ठीक है, ये भी आपका यहीं पे जाके ओपन हो गया था. अब आपके जो स्पर्म्स थे वो यहीं पर आते हैं, आपके जेनिटल पाउच के अंदर आ जाते हैं एंड फर्टिलाइज हो जाते थे एग से. ठीक है, लेकिन उससे पहले इस स्पर्मथीका के अंदर स्टोर हो जाते थे. तो राइट डाउन नाउ दिस पॉइंट, स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड, दैट आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोपोर्स.
आपके स्पर्मेटोफोर्स से ये स्पर्म्स निकले, सॉरी आपके स्पर्मेटोफोर्स की फॉर्म में ये स्पर्म्स आए बंडल्स की फॉर्म में, ठीक है। नाउ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, नाउ दे आर फर्टिलाइज्ड एग। आप सभी जानते थे फर्टिलाइज्ड एग है वो आपका, उसके चारों तरफ हार्ड शेल होती है जिसको आपने ऊती का कहा था। एग्स आर एनकेस्ड ऊती का, है ना, आपका किसमें है ये आपका फर्टिलाइज्ड एग किसमें प्रेजेंट है, आपके ऊथिका के अंदर प्रेजेंट है। बच्चों समझ में आ रही है ना ये वाली बात सभी को, आशीष बेटा कोई किसी कोई डाउट तो नहीं इसमें, एनी डाउट? अविनाश, आराधना, आशीष, वर्षा, प्लीज टेल मी, प्रभजोत, समीक्षा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं ना जो हमने ऊपर डायग्राम में समझे थे उन्हीं को लिख रहे हैं बस? यस सर, समझ में आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके। नाउ अब आ जाओ नेक्स्ट ऊथिका। आपका ऊथिका कैसा होता था? ये ऊथिका होता है डार्क, दैट इज आपका ऊथिका कैसा होगा, दैट विल बी डार्क रेडिश, दैट विल बी डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल, ठीक है। आपका डार्क रेडिश से आपके ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होते हैं, ठीक है। साइज में कितने होंगे, 8 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं साइज में। इनके अंदर क्या होंगे, आपके फीमेल के अंदर ये जो ऊथिका होते थे आपके फीमेल में कितने होते हैं, दैट है फीमेल में होंगे, फीमेल है 9 to 10 ऊथिका, फीमेल के अंदर आपके 9 to 10 ऊथिका होते थे, और आपके सिंगल ऊथिका के अंदर कितने एग होते थे आपके, दैट इज 14 to 16। सिंगल ऊथिका दैट कंटेन सिंगल दैट कंटेन सॉरी 14 to 16 एग्स एक के अंदर, ठीक है। तो दिस इज डन बच्चों, इज इट क्लियर? यस सर। कोई इश्यू किसी को यहाँ पे, कोई डाउट, कोई दिक्कत, जस्ट लेट मी नो। अगर आप लोगों, अच्छा मुझे एक चीज बताओ सभी बच्चे, प्लीज टेल मी सिंसियरली बताना, जो मैंने अभी आपको डायग्राम समझाया मेल और फीमेल का, वो समझ में आ गया? जल्दी बताओ। यस सर। नहीं, बाकी बच्चों से, आराधना के अलावा भी और भी बच्चे हैं, समझ में आ गया था क्या बाकी बच्चों को? ओके हाँ, निर्मल, ओके चलो ठीक है, ठीक है समीक्षा, ठीक है रितिका, ओके ओके बच्चे, ओके अविनाश, ठीक है। अब ये डायग्राम देख लो, ऊथिका बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा, सी दैट, ये डायग्राम सबको दिख रहा है, ये आपका ब्लैक कॉकरोच है ना, और ये जो पीछे निकाल रहा है दैट इज नॉट अ एग, ये है ऊथिका, ये जो निकल रहा है स्ट्रक्चर दिस इज ऊथिका, जो ये दे रहा है पीछे से, इसे आप ऊथिका कह रहे हैं, हम जो अपनी देर से ऊथिका 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 बोल रहे हैं, ये है वो, दैट्स अ एग शेल, ठीक है, एग शेल है आपका, और इसके अंदर आपके कितने एग होंगे, 14 to 16 eggs दैट विल कंटेन इसके अंदर। आप क्लियर हो गया बच्चों, ऊथिका अच्छे से समझ में आ गया? थीका का मतलब दैट इज अ लेयर, मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया याद रखने का कि थीका वर्ड आ जाए तो दैट इज लेयर, ये थीका वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेयर, दैट इज डन बच्चों, कोई इशू यहाँ पे डन?
चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही।